अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ काशरी और आप देख रहे हैं किरदास टीवी। नाजरीन, आज बड़ी ईद का तीसरा दिन है और ईसा भाई के लंगर खाने पे हम मौजूद हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईद का तीसरा दिन हो और ईसा भाई का लंगर खाना हो और पब्लिक का एक जमे गफिर ना हो। पीछे गोश्त की तकसीम की जा रही है, ईसा भाई खुद इस वक्त काम में मसरूफ़ हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। आज ही हमने सुना तकरीबन 10-15 जानवर आज भी गिराए गए हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे खुशी करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। नाजरीन, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सब यहाँ पे अपने हाथों से रोटी तकसीम कर रहे हैं, हमसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सब भाई। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? अल्लाह का करम है भाई। सबसे पहले तो आप हमारे नाजरीन को ईद मुबारक क्या पैगाम देते हैं? मैं सब मेरी तरफ से सबको, मुझे मेरे देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह, आप अपने हाथों से आज रोटियां तकसीम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, बस इससे खुशी मिलती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको मजीद दे। इस तरह कोई पैगाम हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए? बस यही है कि हमें जो है ईद का टाइम है, अपने करीब लोगों के साथ खुशियां बांटनी चाहिए और जो है जो मुस्तहक हैं उनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा ईसा भाई, आज कितने जानवर गिराए आप? आज माशाल्लाह 7 जानवर गिराए और 7 जानवर अल्लाह की बारगाह में पेश किए हैं, तो बस उसी का गोश्त बन रहा है, तो ये तकसीम होगा इंशाल्लाह। तीनों दिनों में आज इस वक्त 7 ही जानवर गिराए हैं? पहले दिन जो है माशाल्लाह हम लोगों ने 5 जानवर किए थे, फिर दूसरे दिन 5 किए और आज माशाल्लाह 7 जानवर किए, यानी इस हिसाब से कुल 17 जानवर आपने गिराए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे ना, आपने ईसा भाई की गुजारिश सुनी और जो कुछ कह रहे थे, आपने मुलाकात करवाई। अभी जो इनके जो राइट हैंड है इम्तियाज भाई, हम आपसे उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, वो क्या? नाजरीन, हम इस वक्त अंदर आ चुके हैं, गोश्त की तकसीम का अमल जारी है। ईसा भाई अपने हाथों से गोश्त तकसीम कर रहे हैं। आप हमारे पीछे इस वक्त पब्लिक का एक जमे गफीर देख रहे हैं, ये एक पूरी कतार लग चुकी है यहाँ पर जो है, इस वक्त देख रहे हैं आप गोश्त लाइन बाइन इस वक्त तकसीम कर रहे हैं। खुद ईसा भाई वहाँ पर मौजूद है, वो इस वक्त इन खवातीन में गोश्त तकसीम करेंगे, उनके बाद जो है मर्दों की बारी आएगी। हमने भी उनसे गोश्त की बात की है, वो जो हमें गोश्त देंगे इंशाल्लाह हम उनसे उससे जो है बारबेक्यू की पार्टी करेंगे और जो है वो हम आपको इंशाल्लाह अगले ब्लॉग के अंदर दिखाएंगे और बताएंगे कि ईसा भाई के गोश्त का जायका कैसा। नाजरीन, ईसा भाई की गुजारिश आपने सुनी, उनके बाद यहाँ पर उनके राइट हैंड इम्तियाज भाई मौजूद हैं, हम उनसे मुलाकात करते हैं। जी इम्तियाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से, मेरे लंगर खाने की तरफ से, रोटी घर की तरफ से एहलियाने पूरे पाकिस्तान को ईद उल अज़हा मुबारक हो। इनकी मुबारकबाद आपने ले ली, उसके बाद हमें उनसे पूछेंगे क्या मजा आ रहा है आज ईद के तीसरे दिन। हम तो पहले दिन से लगे हुए, हमारी कोई छुट्टी नहीं है, बल्कि हमारा तो त्योहारों के ऊपर, मुहर्रम में, 12 रबीउल अव्वल त्योहारों पे माशाल्लाह से मजीद और काम हमारा बढ़ जाता है और माशाल्लाह। और अभी तो हमारा गोश्त का सिस्टम है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनके घरों तक गोश्त भी नहीं पहुंच सका, सफेद पोश लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुर्बानी करी, तो हमारे ओनर ईसा भाई ने जो है ना गोश्त का इंतजाम करा। माशाल्लाह से 15-16 जानवर हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, तो आज हम पूरे दिन हमारा गोश्त का खिलाएंगे, खिलाने के बाद हमारी पूरे दिन गोश्त की तकसीम है। आज गोश्त की तकसीम की जा रही है और खाना वगैरह भी साथ में दिया जा रहा है? खाना भी दिया जा रहा है, सुबह सुबह नाश्ता दिया इन्होंने और अब ये खाना दे रहे हैं। और मैं आपके चैनल के हवाले से बेटा एक बात कहना चाहता हूँ कि आजकल मैं खबरें सुन रहा हूँ कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, खुदकुशियाँ ना करो, हमारे पास आ जाओ, हम 2 टाइम का खाना खिलाते हैं बड़े इज्जत से। इसी के अब लेडीज के लिए लेडीज सर्व कर रही है खाना, जेंट्स के लिए जेंट्स कर रहे हैं, प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से हम लोग खाना खिलाते हैं और खुदकुशियाँ ना करें, अपने बच्चों को ना मारें, हमारे पास आए, हम 2 टाइम का खाना, हमारे ओनर माशाल्लाह से बेटियों का जहेज भी देते हैं, फर्नीचर भी देते हैं, जो लोग परेशान होते हैं उनकी माली मदद भी सफेद पोश लोगों की करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे कि हाथ को हाथ, दूसरे हाथ को भी ना पता चले। नाजरीन, ये कौम के वो लोग हैं जो आपसे कुछ मांगते नहीं है सिवाय दुआओं के, तो आप लोग दुआ करते रहा करें, ऐसे लोग हमारे शहर में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में पैदा होते रहे और इसी तरह जो है ये कौम, मुल्क और कौम की, मिल्लत की ये खिदमत इसी तरह करते रहें। इसी तरह हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।